ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन जो है मैंने उसवाल सैंपल पेपर से लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री स्कल टू माइनस वन एंड एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री स्कल टू थ्री। यहाँ पर हमें क्या निकालना, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर ये दो इक्वेशन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है, ये ऊपर वाला, इसका मैं क्या करूँगी, एंसर लूँगी। ठीक है, तो पहला इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री स्कल टू माइनस वन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के आप समझ भी रहे होंगे कि ये पेयर ऑफ, अगर एग्जाम में दे भी देगा तब भी आप जान जाएंगे कि हाँ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, इतना तो सभी स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन तो हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर से दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में करना है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्कल टू जीरो, ये होता है जनरल फॉर्मेट। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्कल टू जीरो, ये होता है जनरल फॉर्मेट इसका होता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, या तो फिर बिना एलसीएम के भी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ऑलरेडी है। ठीक है, हाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन का एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा इसलिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, थ्री टू जै सिक्स। ठीक है, एलसीएम लेने पर ऊपर क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस, और ये हो जाएगा टू टू जै फोर वाई। ठीक है, टू टू यस टू टू जै फोर वाई इसकल टू माइनस वन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपॉन वन कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वन से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो इतना ही होगा। ठीक है, इसकल टू सिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो माइनस वन इंटू सिक्स क्या होगा, माइनस सिक्स होगा। तो हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके फॉर्मेट में आ गया है, और ये भी इसके फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब उस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा, वो क्या है, वो है एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इसकल टू थ्री है, ये है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अपॉन वन कर लेते हैं, अपॉन वन करने वाला क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेने पर क्या आएगा, थ्री आएगा, और ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इसकल टू थ्री, इसको अपॉन वन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वन से ये पूरी टर्म इंटू होगी, तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस वाई इसकल टू, ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेने पर, इसका एलसीएम लिया तो ये आया, और ये सेकंड वाले का एलसीएम लिया तो ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिख लेते हैं, तो साथ साथ लिख लेते हैं। यहाँ में देखिए ये वाला जो इक्वेशन आया है, थ्री ये थ्री एक्स प्लस फोर वाई इसकल टू क्या है, माइनस सिक्स, ये है। ठीक है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई ये है, और दूसरा एलसीएम इस वाले इक्वेशन का एलसीएम लिए तो क्या है, थ्री एक्स माइनस वाई इसकल टू क्या है, नाइन है, ये है हमारे पास। तो ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर आप क्या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी, इसलिए क्योंकि देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ बराबर करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी ये दो टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको सेकंड। मैं क्या करूंगी इसको, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, दोनों का साइन क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एलिमिनेशन मेथड में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, साइन देखने के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा, तो हमें क्या करना है भाई इसको, ये क्योंकि पूरा दोनों सेम है, थ्री एक्स थ्री, हम चाहते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, कट जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन को यहां पे लिख देती हूँ, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू क्या है, माइनस सिक्स, नीचे क्या है, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जितना नीचे का साइन है सब चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये केवल सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी होगा। ठीक है, ऐड में साइन चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट में सिर्फ नीचे वाला साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका साइन प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा ये प्लस फोर वाई, और ये इसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि फोर वाई, और वाई क्या हो जाएगा, फाइव वाई हो जाएगा इसकल टू,
ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस नाइन है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 और 9 क्या हो जाएगा 15, और क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए इसका साइन निगेटिव लगेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे कैसे आएगी, ये 5 इसके साथ इंटू में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 3 आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 3 आई है, हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो इस y की वैल्यू को ये देखिए, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो किसी में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में रखूंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड मेरी क्या है, 3x माइनस y इक्वल टू 9, देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड क्या है, ये देखिए सेकंड इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ मैं क्या करना है, वाई की वैल्यू कितनी है, ये माइनस 3 हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, ये माइनस लगा दिया, वाई की वैल्यू क्या है, देखिए वाई की वैल्यू निगेटिव है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, इक्वल टू 9, ये हो गया हमारे पास, अब ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये 9 हो गया हमारे पास, 3x की हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये नंबर इधर लेकर जाएंगे, तो ये 9 है, ये पॉजिटिव है, जब ये RHS से RHS की ओर जाएगा तो इसका साइन है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 9 में प्लस माइनस माइनस, 9 में 3 गया 6 बचा, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके साथ 3 इंटू में है, ये 3 जब इधर की ओर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल होकर 2 आ गया, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू जो है वो माइनस 3 आई है, तो हमें यहीं पर, यहाँ हमें x और y की वैल्यू लेकर आना था।